हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और यूट्यूब पे पीएचपी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर मैं आज आपके लिए लाया हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्म बनाया था और गेट मेथड का यूज़ करके हमने फॉर्म का डेटा फेच करवा के एडिशन परफॉर्म करवाया था। आज भी हम फॉर्म को ही आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम पोस्ट मेथड का यूज़ करके वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ भी इसका नाम दे दिया पेज का, टू डॉट पी एच पी। इसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं HTML के थ्रू फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन हेड क्लोज, और हेड के अंदर आपका टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम पोस्ट मेथड देखेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने एडिशन किया था, तो इस बार हम एडिशन ना करते हुए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन टेबल वाया पोस्ट मेथोड। ठीक है, कैसे आप पोस्ट मेथोड का यूज़ करते हुए मल्टीप्लीकेशन टेबल को प्रिंट करवाओगे। किसी भी नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना है 1 to 10 टाइम्स। तो हम बॉडी के अंदर आके एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं ताकि अपन यूज़र से एक नंबर इनपुट करवा पाएँ और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएँ। तो फॉर्म में मैंने मेथड स्पेसिफाई कर दिया पोस्ट। फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, एक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये आप इससे पहले वाला प्रोग्राम है आपका, जो हमने गेट के थ्रू एडिशन परफॉर्म किया था, तो हमने इसमें एक्शन का यूज़ किया था, एक्शन एट्रीब्यूट का। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका मीनिंग है, वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ गेट वाले मेथड में। आप चाहो तो उसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मैं कैलकुलेशन इसमें इसी वाले पेज पर करना चाहता हूँ। ठीक है, डेटा मैं दूसरे पेज पर रिसीव ना करके इसी पेज पर डेटा रिसीव करके यहीं पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने एक्शन इसमें नहीं लगाया। आप चाहो तो एक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एंटर एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर एंटर कीजिए जिसका आपको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करना है। तो नंबर इनपुट करवाने के लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने कुछ नाम दे दिया, एफ नम। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट नंबर, एफ नम। ब्रेक लगाया ताकि न्यू लाइन आ जाए, फिर मैंने एक बटन बना दिया। बटन पे क्लिक होने के बाद ही आप टेबल को डिस्प्ले करवाओगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल को। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एक सबमिट का बटन बनाया। बटन पे क्या लिखा हुआ है उसके लिए आप वैल्यू का यूज़ करते हो। वैल्यू इक्वल टू मैंने लिख दिया प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल। ठीक है, वैल्यू में मैंने प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल लिख दिया, लेकिन इसमें क्या है, बीच बीच में अगर स्पेस आ रहा है वैल्यू में, तो आपको डबल कोट या सिंगल कोट लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर डबल कोट सिंगल कोट नहीं लगाओगे यहाँ पे, तो केवल प्रिंट लिखा हुआ आएगा बटन पे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका कुछ नाम दे दिया, नेम इक्वल टू ABC दे दिया। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ, क्या इसका डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, टू डॉट PHP वाले प्रोग्राम को चलाया, तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। एंटर एनी नंबर, टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक बटन आ गया प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल।
ठीक है, इसमें वैल्यू में स्पेस था इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। अब मल्टीप्लिकेशन मुझे तभी करवाना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे तभी डिस्प्ले करवाना है जब बटन पे क्लिक होगा। तो पीएचपी के अंदर आके, ठीक है, डिज़ाइन वाला काम तो हमने एचटीएमएल से कर दिया, लॉजिकल जो काम है वो हम पीएचपी के अंदर करेंगे। मैंने चेक किया, अगर जो है एबीसी नाम के बटन पे अगर क्लिक हुआ है, इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, एबीसी नाम का बटन था, अगर इस बटन पे क्लिक हुआ है और इस बार मेथड पोस्ट है, तो आप यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर गेट ना लगा के डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर मेथड गेट होगा तो आप डॉलर अंडरस्कोर गेट का यूज़ कर लेना, और मेथड अगर पोस्ट है तो आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज़ करोगे। और एक और मैं आपको बता दूं, जो दोनों के लिए कॉमन होता है वो होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपने मेथड गेट यूज़ किया है या पोस्ट यूज़ किया है, इन दोनों के लिए कॉमन रहेगा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर पोस्ट है तो आप गेट नहीं लगा सकते, और गेट है तो आप पोस्ट नहीं लगा सकते, बट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ करके देखना। तो मैंने अभी सुपर ग्लोबल एरे, प्रीडिफाइंड एरे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज़ कर लिया। यहाँ पे तो पोस्ट आप स्मॉल कैपिटल कैसा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट लिखोगे वो डॉलर के, डॉलर अंडरस्कोर के बाद लिखोगे, और पूरा का पूरा कैपिटल आएगा क्योंकि ये प्रीडिफाइंड एरे है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ये तो चेक कर लिया कि अगर बटन पे क्लिक हुआ है, तो मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है उसको फेच करवा के नम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एफ नम। अगर एफ नम नाम के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर सॉरी एबीसी नाम के बटन पे अगर क्लिक हुआ है, तो एफ नम नाम के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा होगा उसको फेच करवा के मैंने डॉलर नम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। और उसके बाद मैंने इको का यूज़ करते हुए, अब टेबल अपन को 10 टाइम्स टेबल प्रिंट करवाना है, जैसे 2 डालता है तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2 इस टाइप से आ जाए, तो उसमें लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। लगातार अपन को 10 टाइम्स एक ही जैसा काम करना है, मुझे टेबल प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, तो मैंने एक लूप चला दिया 10 टाइम्स, = 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई काम कंटिन्यूसली करना है तो अपन लूप का यूज़ करते हैं, डॉलर आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैंने लिखा डॉलर नम मल्टीप्लाई डॉलर आई इज इक्वल टू, ठीक है, डॉलर नम मल्टीप्लाई डॉलर आई इक्वल टू, ठीक है, कैलकुलेशन में पहले से यहाँ पे करके रख लेता हूँ। मैंने एक आर ई एस नाम का वो वेरिएबल बना लिया रिजल्ट, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर नम मल्टीप्लाई डॉलर आई, इसका जो रिजल्ट आएगा वो तो मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, इसका रिजल्ट मैंने यहाँ रखा और उसको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया, डॉलर आर ई एस, और ब्रेक लगा दिया। ठीक है, इसको चला के देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अपन उसको करेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा सही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैंने 2 इंटर किया तो 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया, 3 इंटर करूँगा तो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, हमने लूप चला दिया 1 से 10 तक, क्योंकि 10 टाइम्स मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना है। तो जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा, 2 इंटर किया सपोज, तो मैंने नम के अंदर 2 असाइन कर दिया,
ना टेक्स्ट बॉक्स का जो भी डेटा सपोज 5 इंटर किया 2 इंटर किया तो वो नम के अंदर चले जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है रिज़ल्ट जो आएगा, हर बार जो रिज़ल्ट आता है आपका, ये नम है मेरा, नम जो है मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ये मेरा आई है, ठीक है आप देख रहे हो ये आई है, ठीक है। डॉलर नम की जगह, डॉलर नम की वैल्यू तो थ्रू आउट द लूप कॉन्स्टेंट रहेगी, जब तक लूप चलता रहेगा डॉलर नम में 3 इंटर किया यूज़र ने तो 3 ही रहेगा, ठीक है। और डॉलर आई की वैल्यू आप अपडेट करते जा रहे हो तो आई की वैल्यू अपडेट होती जा रही है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और डॉलर नम की वैल्यू कांस्टेंट और आई की वैल्यू अपडेट होती जा रही है, पहली बार में आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन सही हो गई, अंदर आके 3 मल्टीप्लाई आई, रिजल्ट आ गया 3, उसको यहाँ असाइन कर दिया और यहाँ 3 प्रिंट हो गया। दूसरी बार में आई की वैल्यू 2 हो गई और 3 मल्टीप्लाई 2, रिजल्ट आया 6, वो मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। तीसरी बार में 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 हो गया, रिजल्ट में डाला और उसको यहाँ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और ये तो एज इट इज़ आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो सिंबल्स वगैरह हैं डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर लिखे होने के कारण यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले बाहर परफॉर्म करवाया। और ये इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी के कारण आपका डॉलर नम की वैल्यू दिखाई दे रही है, डॉलर आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और ये सिंबल एज इट इज़ प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहा है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन तो मेरा यहाँ पे हो रहा है, कैलकुलेट होके इसके अंदर गया, है ना। ये असाइनमेंट कैलकुलेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये जस्ट प्रिंटेबल कैरेक्टर है आपका, क्योंकि आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये था पोस्ट का तरीका, आप चाहो तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, रिक्वेस्ट में भी ये सही काम करेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट दोनों के लिए कॉमन होता है, गेट के लिए भी और पोस्ट के लिए भी, रिक्वेस्ट में भी ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं गेट लगा देता हूँ यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ गेट लगा देते तो प्रॉब्लम आती, ठीक है। मैंने अगर गेट लगा दिया, ऊपर मैंने मेथोड अगर स्पेसिफाई किया है पोस्ट, तो मैं गेट नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। अब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।